ये दे रखा है एक एंटरटेनमेंट क्लब है, ये क्या है, एक एंटरटेनमेंट मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट क्लब है उसका। आपको दे रखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2010 का दे रखा है, यानी कि करंट ईयर कौन सा अपना 2010। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाते का मतलब होता है, और उसी तिथि का चिट्ठा, यानी कि आपको एक तो इसने पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, और एक पूछा है एंड बैलेंस शीट बनाओ। ओके, ओपनिंग बैलेंस दे रखा आपको, सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो दे रखा है, सब्सक्रिप्शन जो हमको मिला है वो दे रखा है। हाँ, वो मैं उसको ट्रांसलेट करने का टाइम नहीं मिला और ध्यान भी नहीं गया, ठीक है। अभी आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देंगे हम इंग्लिश में भी। ओके, देखो तो सब्सक्रिप्शन जो है वो 2009, 2009 का मिला कितना, 40 रुपये इस बार मिला है। 2010 का कितना मिला, 2050। 2011 का कितना मिला, 60। डोनेशन है, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, सैलरी एक्सपेंस, ड्रामा एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, म्यूनसिपल टैक्स, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस और क्लोजिंग बैलेंस। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है और ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। अगर डेट वाइज बोलूँ तो ये बैलेंस है 31 दिसंबर 2010 का, और ये बैलेंस है 1 जनवरी 2010 का कैश का। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यही हुआ इसका मतलब, ओपनिंग और क्लोजिंग। वो साल के शुरू का है और ये साल के एंड का है, ठीक है। हाँ, आगे कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा है, मेंबर ऑफ क्लब जो है ना, मेंबर ऑफ क्लब वो कितने हैं, वो है 500 मेंबर है। मेंबर ऑफ क्लब कितने हैं, 500। और मेंबरशिप फी कितनी है, मेंबरशिप फी वो है 5 रुपी पर मेंबर, 5 रुपी पर मेंबर, ठीक कह रहा हूँ, ठीक है। आगे आपको दे रखा है इसके बाद में 2009 का मेंबरशिप फीस आउटस्टैंडिंग था, है ना, आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस ऑफ ₹50 इन 2009, 2009 में ₹50 मेंबरशिप फी जो है वो बाकी थी। अभी तो हमारा करंट ईयर कौन सा, 2010 है ना, समझ में आया। अच्छा, तो इसका मतलब 2009 में ₹50 मिलने थे लेकिन मिले नहीं, लेकिन उसमें से 50 मिलने थे लेकिन 2009 के अभी कितने मिल गए, 40। तो अभी अभी भी 2009 के कितने बाकी है बताओ, 2009 में ₹50 मिलने थे लेकिन मिले नहीं, मतलब आउटस्टैंडिंग है। उसमें से इस ईयर करंट ईयर 2010 में 2009 वाले कितने मिल गए, 40। तो अभी भी कितने बाकी है, 10। आया समझ में, अभी भी बाकी है वो। ओके, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना। आगे, म्यूनसिपल्टी टैक्स जो है वो है ₹40 है, ये पॉइंट है। म्यूनसिपल्टी टैक्स, म्यूनसिपल्टी टैक्स, MT मतलब म्यूनसिपल्टी टैक्स है, वो ₹40 है एनुअली, और हमने कहाँ तक पे कर दिया, पेड अप टू 31 मार्च 2011। भाई हमारा तो ईयर ही एंड कब हो जाता है, 10 में, 31 दिसंबर 2010, लेकिन हमने कहाँ तक का पे कर दिया, 31 मार्च 2011 तक का, यानी कि 10 दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमने एडवांस में म्यूनसिपल्टी टैक्स पे कर दिया। क्या मैं सही कह रहा हूँ, हमने हमको पे करना था 31 दिसंबर 2010 तक का, लेकिन हमने कर दिया 31/3/2011 तक का, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमने एडवांस पे कर दिया, वो इस साल का नहीं था, करेक्ट है। ओके, आगे देखो, फिर है बिल्डिंग जो है वो 5000 है, बिल्डिंग वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है आपको, वो है ₹5000। ओके, फिर दे रखा है इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट, तो फिर दे रखा है आपको इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5
मंथ और इंटरेस्ट रेट क्या है 6%। मतलब 5 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, अक्रूड मतलब हमने कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। देखो हमने इन्वेस्टमेंट परचेज किए ना, ये इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए, हाँ तो ये हमने कोई शुरू में परचेज किए साल के, ऐसा थोड़ी हो सकता हमने साल के बीच में परचेज की हो, जिसकी वजह से 5 महीने का उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने कमा लिया है लेकिन हमको मिला नहीं है। तो मिला नहीं है तो क्या हो गया, 5 महीने का इंटरेस्ट तो हमने कमा लिया ना, तो अक्रूड इंटरेस्ट है। ओके सही कह रहा हूँ, आया समझ में? हाँ जी। आगे देखो, फिर है एक पॉइंट यहाँ रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप भी लिख लेना, किसी के लिखा हुआ नहीं है, वो रह गया, वो है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹50 इन करंट ईयर। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? ₹50। ये फिफ्थ नंबर पॉइंट रह गया था, है ना। करंट ईयर मतलब 2010 कर सकते हो, करंट ईयर की जगह आप 2010 कर लो, ठीक है, ₹50 in 2010। ओके तो अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट का एक बार फॉर्मेट बनाते हैं और फिर धीरे धीरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, पहले फॉर्मेट बनाने हैं और फिर जो चीज़ पढ़नी है और वो जिस चीज़ से रिलेटेड है वहाँ लिखते जाना है। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना देते हैं फॉर्मेट, तो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नेक्स्ट पेज भी बना देते हैं हम बैलेंस शीट। ओके आइए इनका नामकरण कर देते हैं। ये है भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, डेबिट में हमेशा एक्सपेंडिचर आते हैं रुपीस और इधर आता है इनकम रुपीस। फिर बैलेंस शीट का नामकरण करते हैं, आइए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2010 की, यहाँ हमारे लिए लाइबिलिटीज रुपीज, यहाँ एसेट्स रुपीज। एक एक पॉइंट पढ़ूंगा, वो जहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा वहाँ भी लिखूंगा, अगर उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में पड़ेगा तो बैलेंस शीट में भी लिखूंगा। आया समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 5 पॉइंट निपटाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो है मेंबरशिप वाला, यानी कि ये वाला है सब्सक्रिप्शन वाला, डॉट कर लेते हैं। फिर है ये म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स ये रहा, इसके आगे डॉट कर लेते हैं। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग इसमें कहीं नहीं है। फिर है इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के आगे कर लेते हैं। और फिर है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी के आगे कर लेते हैं। ऐसे डॉट कर देने हैं ताकि उन पॉइंट्स को जब हम पढ़ें, जब उनको हम समझें, जब उनको सॉल्व करें, तो उनके नीचे लिखी हुई एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखें। आइए सबसे पहले बैलेंस शीट ही कहीं काम नहीं है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल काम का है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन कौन सा बेटा? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ओनली कौन सा आएगा? करंट ईयर का आएगा। अब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, आइए देखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए तो देखते हैं। सब्सक्रिप्शन है 500 मेंबर है और ₹5 है, तो 500 × 5 करेंगे। सुनील कैलकुलेटर पकड़ा ना बेटा, तो यहां पर हम करेंगे देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 5,
तो यहाँ हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 500 इंटू 5 ये तो हो गया 2500। लेकिन हमको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है ओनली, हमको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन होता ज़्यादा है, हमको तो मिला है कम, 2050 ही मिला है ना। लेकिन होता कितना है, होता तो बेटा 2500 है, हमको कितना मिला है, हमको मिला है ओनली 2050 है ना। तो इसका मतलब बाकी का क्या हो गया, इसका मतलब बाकी का आउटस्टैंडिंग हो गया ना, 2050 मिला है। तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, ठीक है। तो 2500 में से 2500 आने थे, आए हैं 2050, तो कितने आउटस्टैंडिंग होंगे, 450, ये ऐड होंगे तो 2500 आ जाएगा। आया समझ में? ओके, अब मुझे ये बताइए, आप लोगों को आंसर देना है, ये जो 450 सब्सक्रिप्शन है ये हमारे लिए एसेट्स है या लाइबिलिटी है? मिलने थे लेकिन मिले नहीं हैं, हमको 450 रुपये मिलने थे लेकिन मिले नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही। सीमा, गंगा, मनीषा, गगन, भारती शर्मा, पायल प्रजापत, वेरी गुड, भारती सोनी, विश्वजीत, चिंकी, पायल जांगिड़, सबका सही है। ये हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लेकिन कौन से ईयर का बेटा, इसके आगे आप ईयर भी लिख सकते हैं, ये 2010 का है, कौन से साल का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2010 का, 450। ओके, अब एक बात बताना, सब्सक्रिप्शन ये बोल रहा है 2009 का 50 रुपी आउटस्टैंडिंग था, तो एक बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया चेतना, ये वापस से देखना शुरू से पूरा वीडियो जब रिकॉर्डेड हो तब। हाँ, अभी तो बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम मत पूछना बेटा, है ना, वापस बताऊँगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा पूरा लेक्चर। हाँ, अब मेरी बात सुनना, 2009 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 50 रुपये। तो मुझे अभी एक चीज़ का आंसर देना कि 2009 में जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50 रुपये हुआ होगा, तो 2009 की जब हमने बैलेंस शीट बनाई होगी लास्ट ईयर, तो उस 50 रुपये को कहाँ दिखाया होगा, एसेट्स में या लाइबिलिटी में? 2009 की बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया होगा, अभी की बैलेंस शीट की मैं नहीं पूछ रहा हूँ, 2009 में जब बैलेंस शीट बनाई होगी, फंस गए सब, फंस गए, वाह भाई वाह, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, अभी 2009 का मत सोचो, एसेट्स है, वेरी गुड, 2010 का मत सोचो, आप चले जाओ एक साल पीछे, 2009 में चले जाओ, और वहाँ 2009 में आपको 50 मिलने थे लेकिन मिले नहीं, तो आपके लिए 2009 में क्या था वो, एसेट्स या लाइबिलिटी? आया समझ में क्या बोला मैंने? मैं अभी 2010 की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 2009 की बात, तब हमको 50 मिलने थे लेकिन मिले नहीं थे, तो वो हमारे लिए एसेट हुआ ना, आया समझ में? बढ़ूँ आगे, तो वो हमारे लिए एसेट कितने की थी, 50 रुपये की एसेट थी, तो 2009 की जो 50 रुपये की एसेट थी वो 2010 की भी कितने की एसेट हो गई, 50 की, क्योंकि एसेट तो आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहती है ना, तो एसेट कैरी फॉरवर्ड हो गई, हमारे पास और सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए एसेट थी लेकिन 2009 की, कितनी, 50। लेकिन इस साल उसमें से कितने मिल गए, लेकिन इस साल उसमें से कितने मिल गए, ये देखो भाई, इस साल उसमें से कितने मिल गए हमको, ये मिले देखो 2009 के कितने मिल गए, 40 रुपये। तो क्या अभी भी एसेट्स 40 रुपये की है? नहीं, अभी तो हमको मिल गए 40 मिल गए, तो 40 मिल गए तो 40 हटाओ भाई, बैलेंस शीट के अंदर हटाओ, लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमको 40 मिल गए, तो अभी भी 2009 के कितने आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, 10। अब ये कब मिलेंगे, जब मिलेंगे तब हटाएंगे, और जब तक नहीं मिलेंगे तब तक नहीं हटाएंगे, ऐसे ही रहेंगे, हर साल चलते रहेंगे आगे 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 आगे, आया समझ में? क्लियर, एक बार ओके लिखो सब, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर क्लियर है तो ओके, यस, जो भी है जल्दी लिखो, यस सर।
तो अब देखना बेटा आगे, अब आते हैं हम 2011 के ऊपर। 2011 का सब्सक्रिप्शन 2010 में मिल गया, मिलना था 11 में, मिल गया 10 में। एसेट्स एक लाइबिलिटी है 2010 के लिए, बिल्कुल ये तो बिल्कुल लाइबिलिटी दिख रही है ना। मिलना था 11 में, मिल गया 10 में, तो ये लाइबिलिटी है बिल्कुल। तो लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे क्या, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, क्या प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन 2011 का है ना, है कितना 60 रुपए। हाँ भाई, सब्सक्रिप्शन वाला मामला समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ूं। देखो फिर अगला है हमारा डोनेशन। डोनेशन के बारे में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होता है, तो रेवेन्यू रिसीप्ट होता है, तो डोनेशन आ जाएगा 540 रुपए बाय डोनेशन, कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, 540। -2050, ओके चिंकी, 2500 आने थे, 2050 ही आए, तो 450 बाकी रह गए। अब इसमें क्या पता करोगे आप। आगे सेल ऑफ ड्रामा टिकट, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो सेल ऑफ ड्रामा टिकट है 950 रुपए, तो बाय आ जाएगा बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स 950। नेक्स्ट फिर है सेल ऑफ वेस्ट पेपर, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो सेल ऑफ वेस्ट पेपर 45 रुपए बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर, रद्दी बेच दी वेस्ट पेपर 45 रुपए, ठीक है ओके। एक्सपेंडिचर साइड में बढ़ सकता हूं, जल्दी बताओ अब एक्सपेंडिचर की साइड में बढ़ेंगे अपन, यस ओके। चलो एक्सपेंडिचर में सैलरी, सैलरी है 600 रुपए, ओके। अब सैलरी में कुछ पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर फिफ्थ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 50 2010 की, तो सैलरी मिल गई 600, सॉरी सैलरी पे करनी थी, पे कर दी हमने सैलरी, सैलरीज वो कर दी हमने 600, लेकिन कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएगी, करंट ईयर की है ना 50 रुपए, अब 650, यानी कि आपको सैलरी पे करनी थी 650, लेकिन आपने 600 ही पे किए हैं, तो 50 रुपये आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी, ध्यान से आंसर देना, जल्दी के चक्कर में गलत मत देना। 650 पे करने थे लेकिन 600 ही पे किया आपने, तो 50 रुपये एसेट है या लाइबिलिटी अपने लिए, बिजनेस के लिए। लाइबिलिटी है, सीधी सी बात है, करंट ईयर की, तो 50 रुपये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करनी थी लेकिन करी नहीं, 50 रुपए, ओके। हाँ नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना फेयर, यहाँ पर एक्सपेंस, एक्सपेंस कुछ नहीं बोला हुआ है, तो रेवेन्यू मानेंगे तो 75 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा बाय सॉरी टू एक्सपेंस 75, ओके। नेक्स्ट ड्रामा एक्सपेंस, रेवेन्यू मानेंगे 450, तो आ जाएगा टू ड्रामा एक्सपेंस 450, नेक्स्ट इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह था नहीं। न्यूज़पेपर 150 रुपये न्यूज़पेपर वाले को दिए हैं, तो टू न्यूज़पेपर 150, न्यूज़पेपर 150। नेक्स्ट फिर आपका म्युनिसिपल टैक्स, ये अच्छा पॉइंट है, इसका मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा, कितना पे कर दिया 40, ओके। तो सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स पेड 40 रुपए, अच्छा ये 40 रुपए जो पे करे है ना, ये एनुअली है, ये मन से नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे मन से मैं कहने वाला कौन होता हूं, यहां देखिए लिखा हुआ है 40 रुपए जो नगर पालिका कर म्युनिसिपलिटी टैक्स पे किया वो वार्षिक है, देखो एनुअली 40 रुपीज है, एनुअली मतलब समझते हो, एक एनम में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, इसका तो आंसर आप दे सकते हो, है ना बेटा, 12 महीने होते हैं, यानी कि ये 40 रुपए जो है ये 12 मंथ के,
ठीक है, लेकिन हमने ये 12 महीने के पे किए, लेकिन कौन सी डेट तक पे कर दिए? 31/3/2011 तक। हमको करने कौन सी डेट तक के थे? 31/3/2010 तक के। हमने कितने एडवांस पे कर दिए? एडवांस कितना पे कर दिया? तो जनवरी, फेब और मार्च, 3 महीने का हमने खर्चा एडवांस में पे कर दिया। इसका मतलब 40 रुपये जो है, तो हमारा जो है ये बोल सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, बोल सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंस कितना हो गया? 40 रुपये थे। 40 रुपये कितने महीने के? 12 महीने के। तो प्रीपेड कितना है? 3 महीने का एडवांस है। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एडवांस में पे कर दिए, तो हम निकाल देंगे 40 जो है वो 12 महीने का है। आपने खुद ने बोला कि वार्षिक बोल रखा है, एनुअली बोल रखा है, तो 12 महीने का है, तो इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.999 आ रहा है, मतलब 10 रुपये, 10 रुपीज़ जो है वो प्रीपेड एक्सपेंस है, इस साल का नहीं है। अब देखो इसको दिखाएंगे कैसे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इधर लिखेंगे म्युनिसिपलिटी टैक्स 40 रुपये, लेस कर देंगे इसमें प्रीपेड जो इस साल के है ही नहीं, प्रीपेड वो कितना है? 10। तो इस साल के कितने हैं? ओनली 30 रुपये। अच्छा, 10 रुपीज़ कौन से साल के हैं मुझे बता सकता है कोई? 10 रुपीज़ कौन से साल के हैं? 10 रुपीज़ कौन से साल के हैं? 2011 के, नेक्स्ट ईयर के, 2011 के, और हमने पे अभी कर दिए, करने थे, समझना जो बोल रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान देना, समझ में आएगा। पे करने थे 2011 में, पे कर दिए 2010 में, पे करने थे 2011 में, पे कर दिए 2010 में, तो हमारे लिए एसेट है कि लाइबिलिटी? वेरी गुड विजय भाई, 11 में पे करने थे, गंगा लाइबिलिटी कैसे हो गई? 11 में पे करना था खर्चा, 11 में पे करना था, हमने 10 में कर दिया, यानी खर्चा हुआ ही नहीं लेकिन पहले ही पे कर दिया। टैक्स अभी तक गवर्नमेंट ने मांगा ही नहीं है, एडवांस में जमा करा दिया, तो हमारे लिए एसेट है ना। आया समझ में गंगा? 2011 का खर्चा अगर अभी पे करेंगे तो हमारे लिए एसेट ही है ना, लाइबिलिटी कैसे हो गई? उल्टा ही, हमने तो एडवांस में पे कर दिया ना, किसी को एडवांस में दे तो एसेट होती है, लाइबिलिटी कैसे होगी? यस, ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपका, ये है हमारे लिए एसेट, यहाँ लिखेंगे हम प्रीपेड म्युनिसिपलिटी टैक्स 10 रुपये। ओके, आगे बढ़ूँ? हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चैरिटी, 350 रुपये की चैरिटी पे करी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख देंगे टू चैरिटी 350, टू चैरिटी 350। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, सॉरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने हैं? 2000 रुपये। सबसे पहले तो ये बताओ, इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू है कैपिटल? इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल है? पेमेंट कर रहे हैं तो खर्चा है, कैपिटल है, तो कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, है ना भारती शर्मा? कैपिटल कहाँ जाएगा? हृदय सिंह, चिंकी, मनीषा, कंवर, भारती, सोनी, बैलेंस शीट में जाएगा। तो 2000 रुपये के इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है तो एसेट साइड में आएंगे इन्वेस्टमेंट 2000। ओके, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमको इंटरेस्ट मिलना था लेकिन मिला नहीं है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड 5 महीने का 6% की रेट से, तो ये कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? इंटरेस्ट तो रेवेन्यू है, मिलना था ना, हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो इनकम है हमारी, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर बाय साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट बोल सकते हो, ज़्यादा सही रहेगा, बाय अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कमा लिया लेकिन मिला नहीं ना, 2000 का कितना परसेंट? 6%, और कितने महीने का? 5 महीने का। ये 5 महीने भी क्वेश्चन में दे रखे हैं, 6% रेट भी क्वेश्चन में दे रखी है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी क्वेश्चन में दे रखा है 50 रुपये। तो ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो मिलना था 2010 में 5 महीने का लेकिन मिला नहीं, तो मैंने इसको लिख दिया इनकम साइड। लेकिन बताओ बेटा, मिलना था लेकिन मिला नहीं है,
पैसे 50 रुपये आने थे आए नहीं है, तो एसेट या लाइबिलिटी? एसेट्स, चलिए भाई एसेट साइड में लिख देते हैं 50 रुपये। यहां पर आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट 50 रुपीज। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए भैया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 145 रुपये ये आ जाएंगे इधर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके। फिर बैलेंस सीडी, कैश का कौन सा बैलेंस है क्लोजिंग, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में कैश लिखते हैं ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो ये क्लोजिंग ही तो है, यही तो लिखना है 900 रुपये, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा कैश इन हैंड 900। हाँ जी ओके नेक्स्ट, और क्या है, सारे पॉइंट हो गए? हाँ जी सारे पॉइंट हो गए हमारे। चलिए हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को मिलाते हैं। 650 रुपये पीछे, पहले इनकम साइड करते हैं, 2500, 540, 950, 45 और 50, 4085, उसमें से लेस करते हैं 650, 75, 450, 150, 30, 350, 145, 2235, ये आ गया आपका 2 सरप्लस, 2235 बैलेंसिंग फिगर 4085। ओके अभी हमको बताया क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए हाँ कैपिटल फंड में जाके सरप्लस जो है वो ऐड होगा, किस में जाके ऐड होगा? कैपिटल फंड के अंदर, ठीक है। तो अब देखना बेटा, अब कैपिटल कौन सी, ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमको, तो यहां पर एक कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल फंड का और कुछ मतलब नहीं है, कैपिटल फंड का मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी है, उसमें जो जो कैपिटल आई है ऐड होती जाएगी। अब मुझे बताइए ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में कहीं दे रखी है? तीसरा पॉइंट रह गया, हाँ वो बिल्डिंग, ओके सॉरी आइए देखते हैं, तीसरा पॉइंट रह गया, बिल्डिंग कितने की है? 5000 रुपये की, तो बैलेंस शीट में आएगी ना बेटा, ये तो बैलेंस शीट में लिखनी है बस, बिल्डिंग 5000 रुपये की। थर्ड पॉइंट बिल्डिंग 5000, ओके ठीक है, थैंक यू सीमा। अब आपको ओपनिंग कैपिटल दे ही नहीं रखी है, अच्छा मेरे ये बात का जवाब देना, अगर 2010 की, 2010 की जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो 2011 की कौन सी होगी? 2010 में जो हम क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे वो 2011 की कौन सी होगी? ओपनिंग। तो अब जवाब देना कि 2010 की जो ओपनिंग कैपिटल होगी, 2010 की जो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए वो 2009 की कौन सी होगी? क्लोजिंग, है ना। तो 2009 की अगर क्लोजिंग कैपिटल मिल जाए हमको तो हम उसको आगे लाके 2009 की ओपनिंग बना देंगे, तो इसके लिए हमको 2009 की ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे कौन से ईयर की, 2009 की कैपिटल निकालने के लिए। अब देखिए यहां पर ये है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st December, बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2009, यहाँ लाइबिलिटीज, यहाँ एसेट्स, यहाँ रुपीस। चलिए ढूंढते हैं कुछ चीज़ें जो 2009 की बैलेंस शीट में आ सकती है, तो उन चीज़ों के अंदर आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहला ये देखो, ये इस साल का ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो पिछले साल का कौन सा होगा? इस साल का ओपनिंग है तो पिछले साल का क्लोजिंग होगा, है ना, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आ जाएगा 1050 कैश इन हैंड, तो यहां कर देंगे कैश इन हैंड 1050, ओके। और देखिए क्या है,
कैश इन हैंड के बाद में। यहां देखिए, ये जो 2009 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, जो अभी तो कितना है आउटस्टैंडिंग, देखो 2009 में आउटस्टैंडिंग कितना था, 50, उसमें से 40 इस बार मिल गया तो 10 रह गया, लेकिन 2009 में आउटस्टैंडिंग कितना था, 50, तो 2009 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2009 का आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2009 वाला कितना था, 50, सही है, ओके, 1025 है। अच्छा ये लो भाई, 1025, 1025, ये 50 समझ में आ गया, ठीक है, ओके। आगे देखो, एक हमारे पास पड़ी है बिल्डिंग, ये देखो ये बिल्डिंग पुरानी है, ये देखो बिल्डिंग कब खरीदी कुछ नहीं लिखा हुआ, इस साल तो परचेज नहीं करी, अगर इस साल परचेज करी होती तो पेमेंट किया होता, तो पिछले साल नहीं जाती, जैसे इन्वेस्टमेंट पिछले साल नहीं जाएंगे क्योंकि अभी खरीदे हैं 2010 में, बिल्डिंग हमने पहले से खरीद रखी है ना, इस साल नहीं खरीदी है, तो 5000 रुपये बिल्डिंग आ जाएगी, तो यहां आ जाएगी बिल्डिंग 5000। बस अब इन सब की टोटल कर लो, तो ये हो गया आपका 6000, 5000 प्लस 50 प्लस 1025, 6075, और ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा इधर कैपिटल फंड 6075 बैलेंसिंग फिगर, और 2009 का 2000 कैपिटल फंड 6075 बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ जाएगा, 2009 का जो क्लोजिंग कैपिटल है, बिल्डिंग इसलिए आई बेटा क्योंकि बिल्डिंग इस साल नहीं खरीदी है, इस साल नहीं खरीदी है मतलब पिछले साल थी तो पिछले साल आई, अगर इस साल परचेज करी होगी तो कहां लिखा होता, तो यहां लिखा होता, यहां पे देखो यहां लिखा होता, यहां कहीं है पेमेंट किया है क्या बिल्डिंग का, नहीं ना, जैसे इन्वेस्टमेंट एसेट होती है लेकिन इस साल खरीदे हैं तो इस साल की बैलेंस शीट में आएंगे ना, पिछले साल कैसे आएंगे, बिल्डिंग दे रखी है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लेकिन इस साल नहीं खरीदी है, इसका मतलब पिछले साल थी, ओके हाँ। अब देखो ये आ गया आपका ओपनिंग, क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल फंड 6075, तो यहां हम लिख देंगे अंदर 6075। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऐड कर देंगे सरप्लस, सरप्लस कितना हुआ है हमको, सरप्लस देखो भाई, सरप्लस हुआ 2235 रुपए, तो हम यहां ऐड कर देंगे 2235, और यहां देखते हैं कि कितना हो गया, तो ये हो गया 6075 प्लस 2235 8310, ओके। और अब हम दोनों साइड की कर देंगे टोटल 50 प्लस 60, ये हो रहा 8420, 450 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2000 प्लस 50 प्लस 900 प्लस 5420 बराबर बैलेंस शीट मिल गई, आपका आंसर करेक्ट है। देखो बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये इसको आप रट सकते ही नहीं, नहीं रट सकते, कितनी डेफिनेशन है रट लो इससे कुछ नहीं होने वाला, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज का क्या ट्रीटमेंट करना है, कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगी, कौन सी कहां जाएगी, क्या रेवेन्यू होता है, क्या कैपिटल होता है, क्या आउटस्टैंडिंग होता है, क्या एक्रूड, क्या प्रीपेड, और दो साल का डेटा आपस में एनालिसिस करना अगर आ गया तो ये चैप्टर ईजी, अदरवाइज नहीं। अगर इस चैप्टर को आप ईजी बनाना चाहते हैं तो इस पर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस जो मैंने करवा रखे हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन कराया आपको समझ में आ गया, बिना देखे करने की कोशिश करो, फिर जैसे मैंने स्टेप फॉलो किए वो स्टेप फॉलो करो, आराम से करो, तो ये चैप्टर हो जाएगा, ओके। हम मिलते हैं नेक्स्ट कल, अब आप क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, आपसे हो जाएगा, ओके।